अबे तो जोड़ी लगल बा ऊपर मोदी जी नीते नीतीश जी दोनों जोड़ी पर सिवान के हर विधानसभा विधानसभा के विधायक जरूर हैं लेकिन सबसे चर्चित विधायक है सबसे पॉपुलर विधायक है खाली हई हम नाच के जोकर हई सगुरु घूमिल ले 10 साल में काम कर दिया, वो 70 साल में किसी ने नहीं किया था। और जितनी हमारी महिलाएं हैं सबसे बढ़ चढ़ कर वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट देना। कुछ दोनों बहुत है, कुछ ना बही कोनो बेहार काम ना करी, पक्का पक्का लक्ष्मी जी जीत के जाई हैं। खाली बहरीय क्षेत्र में एकदम नीतीश कुमार जी के नरेंद्र मोदी जी का हाथ का मजबूत करना है। लाए लाए अभी शुरू बा, अभी नॉमिनेशन हुई नाड़ा हाथ जोताई नॉमिनेशन में शामिल हुए हम प्रस्तावक बनी समर्थक बनी दोनों बनी। पूरा जनता की बहुत सपोर्ट है, हम लोग बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं क्योंकि जनता हम लोग के साथ है। महिलाओं का क्या रुझान मिल रहा है? महिलाओं का बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। हाथी लेके हाथी के तो ना कह एलिफेंट इज माई फ्रेंड सिंबल मिला उसी दिन से मेरे साथ। बीच में कुछ तबीयत खराब थी, गए थे, लौट करके आए और पूरा सिवान का कमान लगातार हम लोग घूम रहे हैं 25 दिन से। जनता का अपार बहुमत है। ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी का विकास और नीतीश जी का विकास बोल रहा है। एक बर्तन गड़बड़ा कोई नहीं, कुछ उल्टा बोला कोई नहीं, सुस्ता कोई नहीं, यही से ठोके के बात करनी है। करा बाद ढाके बाद एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। हम बड़हरिया विधानसभा के दीनदयालपुर बाजार में मौजूद हैं, जहां पर एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुछवाहा के पक्ष में यहां के जो जदयू के पूर्व विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, इन तमाम जो नेता हैं के साथ मौजूद हैं। देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं यहां पे। और तमाम जो ये बाजार है और तमाम जो लोग साथ में मौजूद हैं इनके साथ, देख सकते हैं कि तमाम जो, और इस बार एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में लोग खुलकर समर्थन दे रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम ये बाजार में लोग मौजूद हैं और बात करेंगे, यहाँ से लोगों से आशीर्वाद ले रही हैं, ठीक है। और तमाम जो लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टी के मौजूद हैं, हेमंत कुशवाहा मौजूद हैं, ठीक है, मुखिया भादी भी मौजूद, तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये बाजार है दीनदयालपुर, जहाँ पर ये बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पर रोड शो हो रहा है और तमाम जो समर्थक मौजूद हैं। हम बात करेंगे एकदम लगातार आपका दौरा दिख रहा है, क्या बहुत बढ़िया है, लोगों का समर्थन पूरा खुलकर मिल रहा है। हाँ, पूरा सपोर्ट है, रिकॉर्ड मोड से जीतना है, एकदम पक्का एकदम जीतना है, एकदम महोदय जी से जीतना है, प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है, एकदम एकदम नीतीश कुमार जी के नरेंद्र मोदी जी का हाथ का मजबूत करना है। सरकार साथ में घूम रही है, क्या समर्थन मिल रहा है महिलाओं का? जी पूरा जनता की बहुत सपोर्ट है, हम लोग बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं क्योंकि जनता हम लोग के साथ। महिलाओं का क्या रुझान मिल रहा है? महिलाओं का बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, हम लोग बहुत अच्छा तरह से जीत रहे हैं क्योंकि जनता का बहुत भारी समर्थन है हम लोग के साथ में। दीनदयालपुर बाजार में आए हैं श्याम बहादुर सिंह, तमाम लोग आपके साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे यहाँ के लोगों से? अरे हम लोग जनसंपर्क यात्रा में निकले हैं और हमारे साथ बड़हरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर भाई भी साथ में हैं, बहुत सारे भाजपा जदयू लोजपा सबके नेता हमारे साथ घूम रहे हैं। हम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और व्यापक जनता का जन समर्थन हासिल हो रहा है। सभी समाज के लोग अब खुलकर एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं सामने? बिल्कुल बिल्कुल, हर समाज के लोग पहले भी थे, इस बार थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है। लोग अफवाह में नहीं रहेंगे? अरे अफवाह किस बात का अफवाह? कई तरह के लोग अफवाह बना रहे हैं। अरे छोड़िए ना, जो अफवाह उड़ा रहे हैं खुद ही अफवाह के शिकार हैं। तो तमाम देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो अफवाह में रहेंगे, ऐसा बात कहा। और तमाम जो हम श्याम बहादुर सिंह से बात करेंगे, इसमें देख सकते हैं कि सुभाष जी से खंड के दिन
समर्थन मिल रहा है, देख रहे हैं सभी लोग हमारे बड़हरिया के पूर्व विधायक तन मन धन तीनों से लगे हुए हैं और पूरे मेहनत कर रहे हैं और हमको लगता है कि यहाँ से 2 लाख से अधिक मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। बड़हरिया क्या रुझान रहेगा कि लेकिन यहाँ पे कई समाज का वोट यहाँ पे बटा हुआ है? कोई नहीं बटा है, बड़हरिया हरदम जिताकर किसी भी लोकसभा में चाहे जिताकर भेजा है। इस बार भी 50,000 से बड़हरिया विधानसभा जिताकर विजय लक्ष्मी जी को सिवान लोकसभा भेजने का काम करेंगे। यहाँ के बड़हरिया के पूर्व विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह मौजूद हैं, क्या कहेंगे? चलिए हम साथ में घूम रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, क्या लगता है कि पूरा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत बना देना? बहुत बढ़िया, एकदम। कई तरह के समाज में लोग हैं, क्या वोट इन्होंने ननु बहकी है? वोटवा बहकी ननु ना, सवाल नहीं है यार, सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। नॉमिनेशन में जाए? हाँ जेबे करेब। कुछ नया तरीका से पड़ी? हाँ देखल जाए, देखल फेमस बनी पहले से। अच्छा देख, कुछ नया रंग होई? हाँ होई। कुछ बता दिए कि जनता भी? हाँ कुछ नया दिया ही। किस तरह से नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत बनाएंगे? हाँ एकदम 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 पूरे बढ़िया के लोग साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग साथ बढ़ने बगैर रही लोग। तो साहब कहा कि इस बार कुछ नए अंदाज में शाह बहादुर सिंह इस बार नॉमिनेशन में शामिल होंगे। साहब तौर कहा कि इस बार कुछ नया होगा, तो बता दे कि देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जिंदाबाद और जिंदाबाद शाह बहादुर सिंह जिंदाबाद और विजय लक्ष्मी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये बड़हरिया प्रखंड के दीनदयालपुर बाजार है, तमाम जो बड़हरिया क्षेत्र का जो आज दौरा है विजय लक्ष्मी कुशवाहा उनके एनडीए प्रत्याशी द्वारा किया जा रहा है। फूट मांगता निशान आशीर्वाद मांगते से लोग से पक्का विश्वास बा, जनमत बताओ ताकि हम बहुत अच्छा मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे हैं, मुख्यमंत्री के हाथों नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, क्या लगता है उनके हाथों को मजबूत कर पाएंगे? हाँ पक्का पक्का, क्यों ना, अब तो जोड़ी लगल बा ऊपर मोदी जी नीते नीतीश जी दोनों जोड़ी तरह के चलता है, कई तरह के हवा चलता है, पूर्वा पछुआ दोनों बहता कुछ ना बही कोनो बेहार काम ना करी, पक्का पक्का लक्ष्मी जी जीत के जाई हैं। खाली बड़हरिया क्षेत्र में साथ रहे की पूरा विधानसभा और जिला भर की रहुआ साथे खाली बड़हरिया क्षेत्र में वोट मांगे विपक्ष में वोट मांगे? हम बड़हरिया के खाली हई, हम नाच के जोकर हई सगुरु घूम ले। हाँ पक्का, नाम में विजय लक्ष्मी मतलब विजय लक्ष्मी नाम है जुड़ल बाटे, विजय बढ़ले बा लक्ष्मी जी बढ़ले बनी, तो मैं कमी कहाँ बा और सब लोग बढ़ले बा। तो विधायक जी कहाँ रहेंगे इस बार? हैं तरवारा रहे नहीं है के तरवारा, विधायक जी कहाँ रहेंगे? इनके साथ रहेंगे? हाँ तो साथ ना रहे बढ़िया में कि पूरे विधानसभा में घूमेंगे साथ में? पूरा पूरा विधानसभा से दौरा शुरू हुई? हाँ शुरू है बा, आज से लाए लाए अभी शुरू बा, अभी नॉमिनेशन हुई नाड़ा जोताई नॉमिनेशन में शामिल हुए हम, हम प्रस्तावक बनी समर्थक बनी दोनों बनी। हाथी लेके चल जाए? हाथी लेके? हाथी के तो ना कह, एलिफेंट इज माय फ्रेंड, हाथी नहीं कहे तो क्या झूठ बोले, मतलब ठोक दे दीजिएगा। ओके हर बार तो आप ठोकते हैं, इस बार कोई बात नहीं, एक बार तो गड़बड़ा कोई नहीं, कुछ उल्टा बोला कोई तो नहीं, सुस्ता कोई नहीं, यही से ठोके के बात करनी है। करा बात के बाद जब दिल्ली हिल जाए, दिल्ली हिली ना, दिल्ली पहुंचा दे को यहाँ के, वो है ना भैया, तो हिलाएं के तरह दिल्ली के, कि दिल्ली के हिलावे के नहीं के, जाके हिलाओ जाए, जाके हिलाएं। हाँ मैं कोनो काम जो ना धुरा पा हमारे लक्ष्मी जी पूरा कहीं है, ऐसा नहीं कि सब काम धुरे पा काम भी भैल पा, लेकिन जो बाकी बा छुटल पटल बाकी बा दोन लक्ष्मी जी करी, हम कितने दिन से गायब रही, यहाँ से खुल के हूँ गायब रही हूँ, तबियत खराब खराब अब एकदम फुल की साथे बनी, हाँ तो ठीक है बा 400 के पार रही, हाँ ठीक है बा गारंटी 400 से ऊपर क्या लगा। हमारे व्यक्तिगत भी मित्र हैं और पार्टी के पूर्व विधायक भी हैं और जिस दिन हमको सिंबल मिला उसी दिन से मेरे साथ, बीच में कुछ तबीयत खराब थी गए थे लौट करके आए और पूरा सिवान का कमान उन्हीं के हाथ, हर जगह जाएंगे सिवान के हर विधानसभा,
बड़हरिया विधानसभा के विधायक जरूर हैं, लेकिन सबसे चर्चित विधायक हैं, सबसे पॉपुलर विधायक हैं श्रीमान के। अभी कुछ जगह मार जिताएंगे विजय लक्ष्मी, सब लोग मोदी जी के साथ हैं, नीतीश जी 400 का पार काकड़ा। अरे 400 का देखिएगा ना, इस बार अपील करेंगे। लगातार हम लोग घूम रहे हैं 25 दिन से, जनता का अपार बहुमत है। ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी का विकास और नीतीश जी का विकास बोल रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल में काम कर दिया, वो 70 साल में किसी ने नहीं किया था। और जितनी हमारी महिलाएं हैं, सबसे बढ़ चढ़ कर वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट देना है। और हर सीट पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। मीना साहब हैं तमाम लोगों के साथ, तो क्या कहेंगे, लड़ाई नहीं रहेगी? लड़ाई तो है ही नहीं, लड़ाई कहाँ है, लड़ाई एक तरफा है विजयलक्ष्मी जी के पक्ष में। श्याम बहादुर सिंह भी खुल के आ गए हैं। श्याम बहादुर सिंह कहाँ, श्याम बहादुर सिंह कुछ दिन तबीयत खराब था, चले गए थे चेन्नई, आज दो दिन पहले ना ऐसी बात नहीं है। सब देखिए, सबकी इच्छा होती है लड़ने का, और जब टिकट मिल जाता है तब उसके पीछे एनडीए का खर्च करता तन मन धन से लग जाते हैं। 400 के पार एकदम पक्का होगा, एकदम पक्का 400 पार। उसमें सिवान का भी सीट एक नंबर में रहा हो गया। एनडीए एकजुट है, जनता से अपील करेंगे कि 25 मई को एकदम विजय लक्ष्मी जी को तिरछा पर बटन दबाकर भारी मतों से 2 लाख से ऊपर वोट से विजयी होंगी।